तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बीए के लगभग सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू को कवर करा रहे हैं। ऐसे ही आज एक और सब्जेक्ट के साथ हम हाजिर हैं जो कि हमारा बीए, बीएससी और बीकॉम में सब में आता है ना। और ये को करिकुलर का कोर्स का सब्जेक्ट होने वाला है। इसमें हम कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, यानी कि इसका ये मॉडल पेपर होने वाला है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके सिलेबस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, वहाँ पर जाकर देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यानी व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, यानी व्हाट डज पर्सनैलिटी मीन, है ना। यानी कि पर्सनैलिटी का अक्सर में मतलब क्या होता है, केवल बाहरी रूप या किसी व्यक्ति की विशेषताएं जो उसे दूसरे से अलग बनाती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर, यानी किसी भी बंदे की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषता जो उसको किसी और व्यक्ति से अलग बनाती है। तो ये इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। व्यक्तित्व विकास के किन तत्वों का योगदान होता है, यानी कि जो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किन किन तत्वों पर निर्भर होता है, केवल शिक्षा पे, केवल परिवार पे, शिक्षा परिवार और सामाजिक अनुभव पे, या केवल सामाजिक अनुभव पे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी शिक्षा पे, परिवार पे और सामाजिक अनुभव पे, सब पर हमारा क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है इन सब की मदद से ही। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है, व्यक्तित्व के विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं होता, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कौन सा कारक इम्पोर्टेंट नहीं होता, आनुवंशिकता, पर्यावरण, शिक्षा या रंग पसंद। तो रंग पसंद जो है हमारा, वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंस नहीं निभाता, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा। व्यक्तित्व के किस घटक में व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणाओं और इच्छाओं शामिल होती हैं, यानी विच कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी इन्वॉल्व्स अ पर्सन्स इंटरनल मोटिवेशन एंड डिजायर्स। ए हमारा मोटिवेशन, बी हमारा मोमेंटम, सी हमारा परसेप्शन, डी हमारा इंटेलिजेंस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मोटिवेशन, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। व्यक्तित्व का वह घटक जो व्यक्ति के सीखने और अनुभवों को प्रभावित करता है, यानी कौन सा कंपोनेंट पर्सनैलिटी का दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। ए परसेप्शन, बी मोमेंटम, सी मोटिवेशन, डी इंटेलिजेंस। तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, यानी कि परसेप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब ये देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, यानी व्यक्तित्व के किस घटक का संबंध व्यक्ति की भौतिक विशेषताओं से होता है, शारीरिक बनावट, बुद्धि, संवेग या अभिप्रेरणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि शारीरिक बनावट। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा। व्यक्तित्व के निर्धारण में अनुवांशिक की भूमिका को किस सिद्धांत द्वारा समर्थित किया जाता है, सामाजिक सीखने का सिद्धांत या मनोविज्ञान सिद्धांत या अनुवांशिकता सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि आनुवंशिकता सिद्धांत, इन्होंने नाम से ही पता चल रहा है ना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा। पर्यावरण का व्यक्तित्व पर प्रभाव किसे दर्शाता है, वंशानुक्रम, संवेदनशीलता या सीखना या पालन पोषण। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पालन पोषण, यानी कि उधर से ही होता है हमारा जो भी होता है पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट भी, और वहीं से हमको पर्यावरण से सीखने का मिलता है। अब देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा। सामाजिक अनुभवों का व्यक्तित्व निर्माण में क्या महत्व होता है, यानी कि जो सोशल हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनका हमारा पर्सनैलिटी को किस तरीके से बिल्ड में हेल्प करता है, बिल्डिंग में। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, नगण्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि प्राथमिक। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा। मानव व्यक्तित्व पर हार्मोन्स का प्रभाव किस सिद्धांत के वर्णित है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, जैविक सिद्धांत, सामाजिक सीखने का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, है ना। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा जैविक सिद्धांत, ठीक है। तो जैविक सिद्धांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। व्यक्तित्व के विकास में संस्कृति की भूमिका क्या है, यानी कि जो पर्सनैलिटी है उसमें संस्कृति की क्या भूमिका होती है।
प्रमुख, गौण, अप्रासंगिक या निर्णायक। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, यानी कि प्रमुख, हमारी जो है प्रमुख भूमिका होती है जो हमारी संस्कृति की, हमारी पर्सनैलिटी पर होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। शिक्षा कैसे व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान देती है? ज्ञान का संचार बनके, सामाजिकीकरण करके, या फिर व्यक्तिगत विकास करके, या सभी के लिए सही है? तो इसका हमारा सही हो जाएगा हमारा सभी के लिए, यानी सभी तरीके से हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद करती है हमारी शिक्षा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। व्यक्तित्व के विकास में पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रभाव क्या होता है? निर्धारक, अनिश्चित या महत्वपूर्ण या न्यूनतम? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। व्यक्तित्व के निर्माण में दोस्तों और समूहों का प्रभाव कैसे परिलक्षित होता है? नकारात्मक, सकारात्मक, उदासीन या भिन्न? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सकारात्मक। जब हम दोस्तों के साथ रहते हैं तो हमारी उससे क्या पर्सनैलिटी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे देखते भी होंगे, अगर आपके कुछ दोस्त की पर्सनैलिटी अच्छी है तो आप भी उनके जैसा बनने की कोशिश करते होंगे, है ना, तो इससे आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे। जीवन के अनुभव व्यक्तित्व के विकास में कैसे योगदान देते हैं? आकार देना, मार्गदर्शन करना या प्रभावित करना है, सभी के लिए सही? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी कि सभी चीज़ सही है हमारी, सभी तरीके से हमारा क्या, अगर हमको जीवन के अनुभव में पता चलता रहता है किस तरीके से हमारे को अपनी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व को रखना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे। वट इज़ द रोल ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में आत्मधारणा की भूमिका क्या है? मौलिक यानी फंडामेंटल, गौण यानी सेकेंडरी, है ना, विवादित यानी डिस्प्यूटेड, अप्रासंगिक यानी कि इररिलेवेंट? तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मौलिक यानी कि फंडामेंटल। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। व्यक्तित्व के निर्माण में व्यक्तिगत रुचियों और शौक का महत्व क्या है, यानी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड हॉबीज इन बिल्डिंग पर्सनैलिटी, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में किस तरीके से पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबीज काम आती है? तो हमें क्या मदद बनाती है, हमको यूनिक बनाती है हमारी जो पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबीज है, या माइनर बनाती है, है ना, या मामूली यानी कि, या निर्णायक यानी डिसाइसिव, या फिर लिमिटेड? तो हमारी क्या है, देखो सबका पर्सनल इंटरेस्ट अलग अलग होता है और हॉबीज भी अलग अलग होती है, जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी को भी ये यूनिक बनाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। हाउ कैन द रोल ऑफ मॉरल वैल्यूज बी सीन इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व विकास में नैतिक मूल्यों की भूमिका को कैसे देखा जा सकता है? बेसिक यानी आधारभूत, या अनिवार्य यानी मैंडेटरी, या पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, या वैकल्पिक यानी ऑप्शनल? तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेसिक यानी कि आधारभूत। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। व्यक्तित्व के निर्माण में जीवन की घटनाओं का प्रभाव कैसे मापा जा सकता है? ठीक है, गहराई से, सतही रूप से, अस्थाई रूप से, या स्थाई रूप से? तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्थाई रूप से, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को सबसे अच्छा कैसे समझा जा सकता है, यानी किसी भी बंदे की पर्सनैलिटी को अच्छा कैसे समझा जा सकता है? केवल उसके शब्दों से, है ना, जैसे वो बातचीत कर रहा है उसे समझ लें हम, उसके कार्यों या व्यवहार से, यानी जैसे उसके काम है उसका व्यवहार कैसा है उससे, या केवल उसके दोस्तों से, यानी उसके दोस्तों से पता चल जाएगा उसकी किस तरीके का व्यक्तित्व है, या केवल उसकी लिखावट से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी कि उसके काम और उसके व्यवहार से हमको पता चलता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, यानी उसका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्यक्तित्व शब्द का मूल अर्थ क्या है, यानी कि पर्सनैलिटी का बेसिक मीनिंग क्या है? तो ड्रामा है, मुखौटा है, या फिर कैरेक्टर है, या फिर पावर है? तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैरेक्टर, यानी कि पर्सनैलिटी का अगर हम बेसिक मीनिंग जाने तो उसका मतलब होता है कैरेक्टर, या किसी भी व्यक्ति का चरित्र कैसा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा। व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार होता है? अचानक होता है, केवल बचपन में होता है, जीवन भर में धीरे धीरे चलता रहता है, या केवल किशोरावस्था में ही होता है? तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जीवन भर में धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है।
अच्छे व्यक्तित्व के लिए क्या आवश्यक है? केवल अच्छी शिक्षा यानी अच्छी पर्सनैलिटी होने के लिए क्या आवश्यक होता है? शिक्षा होती है यानी एजुकेशन, या सकारात्मक दृष्टिकोण, अच्छा व्यवहार, या अधिक पैसा, या उच्च सामाजिक स्थिति? तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि हम पॉजिटिव तरीके से हमको सारी चीज़ देखनी और हमारा बिहेवियर गुड होना चाहिए, ठीक है, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, वही हमारी अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। व्यक्तित्व के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि जब हम पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलता है? साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, या पर्सनैलिटी साइकोलॉजी? तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि पर्सनैलिटी साइकोलॉजी बोला जाता है उसको, जब हम व्यक्तित्व को यानी पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं। अब भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा। व्यक्तित्व के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका नहीं निभाता, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में कौन सा ऐसा ये है कारक जो हमारे भूमिका नहीं निभाता? मित्र, परिवार, शिक्षक, या मौसम? तो मौसम हमारा किसी भी रूप से हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में साथ नहीं देता, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।